कि छात्र करे पुकार। छात्र हितों को सर्वोपरि मानते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के निर्णयानुसार पूरा करो, मगध विश्वविद्यालय की छात्र करे पुकार। विश्वविद्यालय का छात्र करे पुकार। पूरा करो, पूरा करो, छात्र एकता जिंदाबाद। नमस्कार। हम देख रहे हैं, यहाँ आके बैठे हैं। हम सोचे कि शुरू में आप देख कर घर से आ रहे हैं। जो मुद्दा हमारा बस इसी पर टिका रहेंगे, आपको जाएगा नहीं बस यहाँ। हम जब तक नोटिस ऑफिशियली जारी नहीं होगा, हम लोग यहाँ से मिलेंगे। आप लोग मथन दीजिए, हम की नहीं जाएंगे। आप बोलिए, बोलिए, खड़ा होकर बोलो ना। चुप ना, बात सुन लो। बीएड फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें केवल 500 कॉलेज का आया था, जो भी सरकारी और सरकारी प्राइवेट कॉलेज का रिजल्ट रोक लिया गया था। अगर इस बार सुधार के लिए गया है तो साथ में सरकारी और प्राइवेट सभी। ठीक है, इसका जवाब देते हैं, जवाब दे दीजिए। हम लोग सब सुन चुके हैं। लिखित आवेदन है, इसमें यह स्पष्ट किया गया कि मतलब कि पूरा कॉलेज का बीएड कॉलेज के अंतर्गत 5600 विद्यार्थी आता है, 5600 विद्यार्थी का पूरा स्क्रूटनी किया जाएगा, मीन्स नंबर को रिवाइज किया जाएगा। आपको सवाल है, काले तो नहीं परेशान हो किसी का है हैं यहाँ पे जो है, ये जो भाई हैं कुछ लोग महेश सिंह कॉलेज से आए हुए हैं। इसको फोटो खींचना, इनका आवेदन दिया गया है टोटल, और ये आवेदन में लिखित दिए हैं और सभी स्टूडेंट का यहाँ पे साइन है, जितने भी लोग आए हैं। स्क्रूटनी की जा रही है, समीक्षा उपरांत उक्त परीक्षा फल आपके महाविद्यालय में भेजा जाएगा। आपसे अनुरोध है कि बीएड सेकंड ईयर 2020-22 के छात्रों का परीक्षा पत्र एवं उनके फर्स्ट ईयर 2020-22 के परीक्षा पत्र एडमिट कार्ड के आधार पर प्राप्त किया जाए। ठीक है, परीक्षा प्रपत्र संबंधित विश्वविद्यालय शुल्क का बैंक ड्राफ्ट कुल सचिव मगध विश्वविद्यालय बोल गया कि हम 5 दिनों में ही जमा कर सकेंगे, मतलब जिन छुट्टी रहे उस दिन में लोग जमा कर सकेंगे। भाई हम लोग ये क्या, हम रिजल्ट का फर्स्ट ईयर का डेट अभी नहीं हुआ, लिखित में ऐसा सा नोटिस हजार बार आया। सही बात, सेकंड ईयर का भी नहीं दिया गया, अभी कब से एग्जाम होगा? पहले रिजल्ट बंद कर फिर कॉलेज में भेज दिया गया, कॉलेज के देख लो, कॉलेज के हम लोग कॉलेज है ना, उसका भी देख लो। हमें ये लेकर कुछ नहीं चाहिए, हमें लिखित प्रमाण जारी करें। यहाँ पे मैडम बैठे तो देख सकते हैं, आज बीएड वाले आए हैं और अगला दिन आपको समझे पीजी वाले स्टूडेंट आएंगे। तो सर जल्दी काम कीजिए और सत्य सुधाइए। ये भाई आए हैं, कहाँ से आप आए हैं? पटना से आए। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? अभी पटना का हमारा पेंडिंग रिजल्ट बता रहा है। अच्छा, तो कहाँ पे भी गए आप? अभी कंट्रोलर साहब के पास गए थे। तो क्या बोले कंट्रोलर साहब? बोले कि आज 8 बजे आप तक आपका आ जाएगा, चेक करिएगा 8 बजे तक। तो श्योर है कि आ जाएगा? ना श्योर तो नहीं है, क्योंकि एक महीना से ऊपर हो गया रिजल्ट आए हुए। सब्जेक्ट क्या आपका? फिजिक्स ऑनर्स सर।